Okay, students, so just now I had explained to you the theoretical part of experiment number 1, and that is to find the resistance per centimeter of a given wire by plotting a graph between potential difference and current. Now, अब मैं आपको इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप दिखाने वाली हूँ जो कि आप देख सकते हैं. सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी दैट आई एम हैविंग फोर डिवाइसेस. फर्स्ट इज बैटरी एलिमिनेटर, देन वोल्टमीटर, एमीटर एंड द रियोस्टेट. रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टर, जिससे कि हम रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं. ठीक है, अब मैं आपको वोल्ट मीटर और एमीटर पास से दिखाती हूँ. देखिएगा, दिस इज योर वोल्ट मीटर, और आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि वोल्ट मीटर का जो रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक है? 0 से 3 तक, 0 से 3 तक. ठीक है, अब मैंने आपको इसका लीस्ट काउंट भी बताया था. कैसे बताया था? कि 10 डिविजन्स इक्वल्स टू 0.5. देखिए ध्यान से, ये 0.5 दिख रहा है आपको, इसके बीच में बेटा डिविजन्स कितनी है? 0 से काउंट करो, यहाँ तक आओगे 5 आओगे, लाइक दिस 0, 1, 2, 3, ये 5 आएगा, यहाँ पे 10. तो जो 10 डिविजन्स हैं वो किसके इक्वल हो गई? 0.5 वोल्ट्स के. तो हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 1 डिवीजन की वैल्यू, जो कि मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके दिखाया था. समझ में आया आपको? सिमिलरली एमीटर पे आ जाइए. एमीटर से हम करंट की रीडिंग्स लेते हैं. यहाँ पे भी सेम है, जो 10 डिवीजन्स हैं वो किसके इक्वल हैं? देखिए 0 और 0.5 के बीच में कितने डिवीजन्स हैं? 10 है ना, तो 10 किसके बराबर हो जाएगा? 0.5. वहाँ से आप वैल्यू निकालेंगे 1 डिवीजन की. अब बेटा, वोल्ट मीटर में 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. रेड वाले को डिनोट करते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ब्लैक है आपका नेगेटिव टर्मिनल. यहाँ पे भी पॉजिटिव क्या है? रेड. नेगेटिव इज ब्लैक इन एमीटर. यह है आपकी बैटरी, देख रहे हैं आप, बैटरी आपकी 12 वोल्ट्स की है. मैंने जो रीडिंग ली है वो 2 वोल्ट्स पे ली है. देख सकते हैं आप, ये जो नॉब है ये मूव हो सकता है, ये मूव हो सकता है, लेकिन हमने वोल्टेज जो रीडिंग्स ली हैं वो ली हैं 2 वोल्ट्स पे. कितने पे ली है? 2 वोल्ट्स पे. ओके, एंड दिस इज योर रियोस्टेट. बेटा रियोस्टेट में ये टर्मिनल्स होते हैं आपके, एक तो ये टर्मिनल है, एक आपका ये वाला टर्मिनल है, ठीक है, एक है आपका ये वाला टर्मिनल, दिस वन. रियोस्टेट में पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल जैसा कुछ नहीं होता है. अब ध्यान से देखिएगा कनेक्शंस, ये हैं बेटा आपके कनेक्टिंग वायर्स. ठीक है, कनेक्टिंग वायर्स. उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कॉन्स्टेंटन वायर. ये जो देख रहे हैं ना आप, ये कॉन्स्टेंटन वायर है. इसी का रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर ऑफ गिवन वायर, पर सेंटीमीटर ऑफ कॉन्स्टेंटन वायर हमने निकाला था. दिस इज कॉन्स्टेंटन वायर. इसको मैंने कैसे लगाया है? वोल्ट मीटर के पैरेलल में लगाया है, वोल्ट मीटर के पैरेलल में. देख रहे हैं आप. अब देखिए बेटा, वोल्ट मीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसे मैंने किससे जोड़ा है? वोल्ट मीटर के बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से जोड़ा है. ठीक है, बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे मैंने कहाँ अटैच किया है? रियोस्टेट के टर्मिनल पे. ये कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है. ठीक है, अच्छा, वोल्ट मीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है उसे कैसे कनेक्ट किया मैंने? पॉजिटिव से, पॉजिटिव ऑफ एमीटर. ओके, और एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल है वो किससे अटैच कर दिया?
वन ऑफ द टर्मिनल ऑफ द रियोस्टेट। सो हुआ क्या है कि रियोस्टेट के दो टर्मिनल्स को कनेक्ट किया गया है। एक को तो कनेक्ट किया है एमीटर के नेगेटिव से और एक को मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव से। ओके, वोल्टमीटर का जो पॉजिटिव है वो गया बैटरी के पॉजिटिव से, वोल्टमीटर का नेगेटिव आया है एमीटर के पॉजिटिव से। ओके, एक बात देख लीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि अब मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने रीडिंग्स कैसे लिखी। देखिए, सबसे पहले तो ऑन करिए स्विच, ऑन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है, ऑन कर दीजिए, कर दिया ऑन। अब ये रियोस्टेट है, ये मूव कर सकता है, इट इज़ मूवेबल। अब देखिएगा, देख रहे हैं आप, देख रहे हैं? अब मैं क्या करूँगी कि वोल्ट मीटर को जीरो पे लेके आऊंगी, वो मैं कैसे लेके आऊंगी, विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। मूव करिए इसे, आ गया जीरो पे, आ गया, ये भी जीरो पे ही है ऑलमोस्ट, और थोड़ा पीछे करके देखिए, आ गया जीरो पे, आया ना। सो बेटा वोल्ट मीटर एम मीटर दोनों ही आपके जीरो पर हैं। आप रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मूव करिए इसे जीरो, देखिए यहाँ पे जीरो वोल्ट है, जीरो पे है ना नीडल। अब जो एमीटर है वो आपका वन पे है, एमीटर किस पे है आपका, वन पे। तो जीरो वोल्ट पे क्या रीडिंग मिली आपको, वन एम्पियर की। अब मैं देखूंगी वन वोल्ट पे, कैसे देखूंगी, विद द हेल्प ऑफ, इसको ऐसे मूव करना है। ओके, देखिए मैं इसे मूव कर रही हूं, मैं इसको लेके आती हूं वन वोल्ट, आ गया, देखिए वन वोल्ट पे आया, दिस इज योर वन वोल्ट। अब वन वोल्ट पे एमीटर की रीडिंग क्या आई है मेरे पास में, एमीटर की रीडिंग आई है बेटा सिक्स एम्पियर्स। ओके, नाउ अगेन टू, वोल्ट मीटर की रीडिंग टू वोल्ट्स है, टू वोल्ट्स। एमीटर की रीडिंग क्या है, फाइव सिक्स सेवन एट। सो इन दिस वे वी हैव टू टेक द रीडिंग्स। ओके, आई हैव टेकन फोर रीडिंग्स, यू कैन टेक फाइव एज वेल। So this was about the experimental setup of experiment 1, which is resistance per centimeter of a given wire. So please students have a look over the reading, and the least count part is very important in this. I am again showing you both voltmeter and ammeter. Okay, now I am switching off the appliance. So thank you for today. In case of any doubts, then please do let me know. Thanks.